Hi, welcome to my YouTube vlog. This is my second vlog in Pune. So today I am at the Phoenix Mall and I am with my bestie. His name is Deepali. So I am exploring this mall today. And just now I started this vlog, so please view this vlog till the last end, and I'll show you how's the mall and what are the shops are here. So let's go. और यहाँ से फूड कोर्ट चालू हो जाता है, तो हम लोग अभी पहुँच गए फूड कोर्ट बिकॉज़ हम लोगों को बहुत भूख लगी है. सो हम लोग यहाँ पे कुछ ट्राई करेंगे और आगे देखते हैं और क्या है. तो मुझे आगे तो आइसक्रीम दिख रही है, सो मुझे वो ट्राई करनी है. तो ज़रूर हम ये लोग अभी हम लोग ये आइसक्रीम ट्राई करने वाले हैं. और अभी हम लोग यहाँ पे वो आइसक्रीम वाला गेम खेलने वाले हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है. थोड़ा तेजो पूरे सर. शपथ आइसक्रीम पसंद है.
दीपा वेट. सो जिसको मैं मिलने के लिए आई थी, जो मैं बता रही थी कि मैं मेरे बेस्टी को मिलने के लिए आई हूँ, सो शी इज फाइनली हियर एंड हर नेम इज दीपाली. कसं वाटतं तुला, तुझी बेस्ट फ्रेंड तुला भेटायला आली आहे, ते पण किती वर्षानंतर? 2019, 20, 21, 22, 23, 24 नको पण 4 वर्षानंतर हम मिल गए. एक्चुअली मतलब पता नहीं था कि इतने जल्दी हम मिलेंगे, बहुत जल्द मिले ना, सो बहुत जल्दी ये मिलना हुआ है हमारा. सो एक्साइटेड तो थे हम मिलने के लिए, बट ऐसा नहीं पता था कि इस तरीके से मिलेंगे. मतलब सब टाइम पे फिक्स हुआ, सब सडनली, एग्जैक्टली सब सडनली हुआ. लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि एक दिन तो भी हम साथ में बिताएंगे. सो मेरा ऑफिस भी था, फिर भी मैं ऑफिस गई जल्दी जल्दी, लॉग आउट भी नहीं किया, उसी तरीके से आ भी गई. और क्योंकि तेजली के साथ मुझे घूमना था, थोड़ा टाइम स्पेंड करना. बट हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एक्चुअली आई सडनली केम ना, सो सबसे पहले तो इसका कॉल आया था कि दीपाली मैं आने वाली हूँ. मुझे लगा बस ये फेक रही है, नहीं है. बट जब उसने मुझे सुबह 5:30 बजे कॉल किया, आई एम इन द पुणे, और उस टाइम पे मुझे पता चला कि हाँ यार फाइनली शी केम, वो आ रही है. फिर मैं एक्साइटेड थी, सुबह में हम आए, हक वगैरह किया, 5:30 बजे उसके बाद सो गए. फिर मैं ऑफिस गई, ऑफिस करने के बाद अभी मैं आ रही हूँ. और ये पूरी नाइट हम इंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज कल तेजली चली जाए, तो हम पूरा दिन आज स्पेंड करने वाले थे, बट वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज मेरा ऑफिस था. तो हम पूरी नाइट अभी स्पेंड करने वाले हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे गॉसिप बाकी है, अभी आधे भी नहीं किए हैं, बहुत सारे बाकी है. मिले तो 4 सालों में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक्सप्लेन करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हर लड़की के लिए गॉसिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने ये वीडियो वॉच किया, और तेजली को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, उसकी शेयर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि शी इज़ वेरी पैशनेट गर्ल एक्चुअली. थैंक यू. सो कैसे लग रहा है दीपाली? बहुत अच्छा लग रहा है. अभी नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे वी डोंट नो, बट नाउ वो ऐसी लड़की है कि मतलब वो होता है ना कि कुछ शेयरिंग करना है, कुछ रोना है, मेरे को कब कुछ लगता है तो मैं उसको फ़ोन करके बोल देती हूँ कि भाई मेरे को अभी बुरा लग रहा है, मेरे को कुछ बातें शेयर करनी है. तो दिस काइंड ऑफ फ्रेंड वो है मेरी, और मतलब ऐसे कंटिन्यू तो बात नहीं करते. साथ में नहीं भी होते फिर भी हमने क्या खाया, क्या पहना, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कॉल पे करते हैं. मतलब एक आधी वर्ष है, मतलब 1 साल बाद ही फ़ोन करते हैं, बट वो बातें जो होती है ना वो डिफरेंट लेवल की होती है. बहुत एक्साइटेड है आज मैं, क्योंकि तेजली बहुत सालों के बाद, 4 साल के बाद हम मिले, और ये 4 साल की जो भी जर्नी थी वो वैसे तो हम कॉल पे हम एक मतलब बोलते थे, लेकिन आज सडनली ऐसे अचानक मिलना हुआ. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है कि तेजली मुझे मिलने आई. तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मतलब अभी किसी मेरे फ्रेंड्स को मिलने जाऊंगी या, बट ये सब सडन हो रहा है. मैंने कहा दीपाली की भी अब शादी हो रही है, मुझे उसको मिलना होगा. सो मेरे लाइफ में कुछ लोग हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन्हीं में से एक जो है हमारी दीपाली मैडम. दोस्तों यहाँ पे है टॉय ट्रेन भी है, बट अभी फ़िलहाल तो वो मतलब बंद है. ये देखो यहाँ पे आपको टॉय ट्रेन दिख रही होंगी. आज हमने फिनिक्स मॉल एक्सप्लोर किया है एंड या इट इज गुड. सो वी एंजॉय द आइसक्रीम देयर एंड ऑल्सो वी एंजॉय आवर कंपनी. सो अभी मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ. मतलब इसमें मैंने सभी कंटेंट्स को मतलब इंक्लूड करने की कोशिश की है, मतलब सब कोशिश किया है कि सब थोड़ा थोड़ा मैं उसमें कवर कर लूँ. सो इसमें मैंने कर दिया है, आप इसको पूरा देखिए लास्ट तक एंड इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. बाय बाय. Thank you.